हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो सुबह के बज चुके हैं 10:30 और बच्चों को मैंने उठा दिया था। बच्चों के लिए बनाऊंगी मैं नाश्ता, क्योंकि अनमोल को दवाई खानी पड़ती है। तो नीतू आई भी है हमारे घर में, तो नीतू से हमने बहुत रात तक बात करी है। तो हम दोनों फ्रेंड बहुत दिनों बाद मिले हैं, तो कम से कम 6 महीने बाद मिले हैं हम लोग। तो बहुत सारी बातें थी जो हमने रात को करी थी। तो हम लेट सोए थे, सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, मगर नीतू फिर दोबारा सोई, ताकि भाई रेस्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। तो वो दोबारा सो गई थी, तो मैं भी लेट गई उसके पास। हम लोग बातें करते रहे, फिर तो इतना टाइम हो गया, तो नाश्ता बना रहे, तो आपको मैं नीतू से मिलवाती हूँ। तो नीतू भी उठ चुकी है, तो नीतू से मिलिए आप। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। बहुत मज़ा आया, नींद पूरी हो गई है, फिर अब तैयारी करते हैं अपने घर जाने की। भाई मैं कह रही हूँ घर जाऊंगी नहीं, कह रही शाम को जाना, अब देखते हैं कब तक जाते हैं। तो बहुत गर्मी हो रही है बाहर, 10 बजे भी ऐसा लग रहा है जैसे दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। इतनी गर्मी है, इतना हीटअप है कि बाहर निकलने का मन ही नहीं है कि मार्केट जाके कोई सब्जी लिया, दुकान पे चला जाए। पता नहीं लोग, जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए सलूट है, और क्या कहते हैं, जो इतनी गर्मी में अपने बच्चों का पेट पालने के लिए बाहर निकल रहे हैं, जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। और कुछ मजदूर तो ऐसे हैं जो बाहर धूप में खड़े होकर अपना काम करते हैं, जैसे कि मिस्त्री वगैरह। भाई सलूट है उन लोगों को, भाई पेट की खातिर क्या क्या करना पड़ता है। तो चलिए गए, तो अब करते हैं हम फटाफट नाश्ते का इंतजाम और बच्चों को उठाते हैं। एक अनुराग सो रहा है, तो उठाते हैं और नाश्ता करते हैं, फिर आराम से हाथ धो के फिर हम थोड़ी सी वीडियोस वगैरह, रील वगैरह बनाएंगे, ताकि नीतू आए तो नीतू का फ़ायदा उठाया जाए, दोस्ती के ऊपर 2-4 रील बना लेते हैं हम। तो चलिए गए, तो मिलते हैं आपको। नीतू बना रही है पराठे, में बना रही थी, कह रही मैं बनाऊँगी अपने हाथ के, खिलाऊँगी पराठे। और ये देखिए पराठे बन रहे हैं, चकोर पराठा ये, चकोर पराठा। आटा मैंने सवेरे गूंध दिया था। तो नीतू कह रही है कि दोपहर को पुलाव भी मैं ही बनाऊंगी, रायता भी मैं ही बनाऊंगी, रायता भी यही बनाएगी। ये देखिए बेडशीट लगा दिए। तो क्या नाम है बेटे का? भूमि। भूमि ने बेडशीट लगाई। भूमि, नीतू ने कहा देखो हमारी बेटी कितनी अच्छी बेडशीट लगाती है, तो देखो मेरे को हाथ लगा, कह रही नहीं देखो तुम उसका टैलेंट देखो। और वाकई में इसका टैलेंट बहुत अच्छा है, इसने अकेली ने मेरे बेड पे 2 बेडशीट बिछती हैं डबल बेड की, तो पूरी डबल बेड की एक नहीं आ पाती, 2। तो इसने 2 चादर इतनी अच्छे से लगाई है, बहुत अच्छी है ना अनमोल। अनमोल खा रहा है मौसी के हाथ के पराठे, अनमोल को दवाई खानी होती है तो इसे दे दिया मैंने, अब मैं दूंगी नाश्ता। और आज रोज मैं अपने हाथ के खाती हूँ। बेस्ट फ्रेंड ने बनाए परांठे, बेस्ट फ्रेंड ने बनाए परांठे बेस्ट फ्रेंड के लिए, मैं चार खा के अब दिखूंगा। अच्छा लगता है रोज अपने हाथ का खाते हैं, और कोई बना के खिलाए इतने प्यार से, तो और कितना अच्छा लगता है। तम कर रहे नाश्ता, पराठे, भिंडी, आलू की सब्जी, चटनी। किसने बनाए तुम्हारे परांठे? बेस्ट फ्रेंड ने, मेरी दोस्त ने बनाया। और ये हर 6 महीने बाद आती है, मतलब साल में 2 चक्कर तो लगते हैं। पापा के 2 चक्कर लग गए। हाँ, और अब आ गई, अब पापा आएंगे जब ही आऊंगी मैं। देखो अभी कब आती है, अब 2 चक्कर वैसे। तो चले गए, तो नाश्ता करते हैं आपसे। A few moments later. आए हैं हमारे घर खुशी। खुशी तो बोलती ही नहीं है, खुशी बोल भी ले। और कोमल दीदी आई हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं, देखो कितनी पतली हो गई है, बहुत ज्यादा पतली हो गई। दीदी बहुत मोटी थी, बहुत कमजोर हो गई। देखो ना, खांस रही है। देवू की शादी भी कितनी मोटी थी, देखा नहीं था रिसेप्शन वाले दिन? हेलो तो कर ले यार, कर ले लाली बहन के चमचे हैं सारे बच्चे। हाँ लाली भी आए गई ब्लॉग में, लाली को तो नीतू याद कर रही थी, लाली नहीं आई, कल भी कह रही थी मुझसे लाली नहीं आई। ये लोना बढ़िया खुशी, हाय कर देख नहा चुकी हूँ और दीदी आई हुई है, तो मैं बना रही हूँ चाय। तो मैंने सोचा पहले नहा लिया जाए, फिर बाद में चाय बनाती हूँ। तो चाय बनाती हूँ, उनके लिए नाश्ता लगाती हूँ। तो काफ़ी दिनों बाद आती है दीदी, तो अच्छा लग रहा है। दीदी आई है, बैठ के बात करी, नीतू भी बैठी बातें कर रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है जब कोई आता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तो चलिए गई फटाफट, उनके लिए चाय बनाते हैं, फिर अच्छे से बैठ के गप्पे मारते हैं।
और आपको भी दिखाऊं क्या क्या गप्पे मारती है। वैसे तो दिखानी तो नहीं चाहिए पर दिखानी। लंच में चावल मसाले वाले और रायता बनाऊंगी मैं, तो नीचे तैयार हो रही है और दीदी को भी रोक लिया, ये जा रही थी इन्हें रोक लिया कि खाना खा के जाना। नहीं हेलो हावर और खाना खा के जाना तो दीदी को रोक लिया मैंने, उन्हें खाना खा के जाना, इनके बुलावे लगे रहते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अगर आज किसी ने बुला लिया तो वहीं जाके हंगामा करना मुझे। दीदी आपका आपके ऊपर थोड़ी ना किसी का जोर है, आप अपने घर की हो तो बस, तो आपके ऊपर तो सभी का हक है, कोई एक का थोड़ी ना है। मेरे को कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। देखिए गाइस नीतू रुक नहीं रही है, मैंने इसलिए जल्दी जल्दी खाना बनाया और मैंने खाना पैक कर दिया जबरदस्ती, खाना नहीं लेके जा रही। थैंक यू लक्ष्मी, भैया का फोन आ रहा बार बार तो इसलिए जल्दी जा रही, नहीं तो मैं शाम को भेजती। अनमोल के पापा ने कहा शाम को भेजना बहन को, मगर क्या करूँ इसकी मजबूरी है और हमारी भी मजबूरी होगी, जब इसकी मजबूरी है तो हमारी भी मजबूरी है यही। गाइस लक्ष्मी को सपोर्ट करो, इसकी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो जल्दी से। और नीतू का भी चैनल है, भैया बनाते हैं ब्लॉग, तो ये फोन नहीं लिख रहा है, इसका फोन खराब हो रहा, नहीं तो ये ब्लॉग जरूर बनाती। मेरी दिल की तमन्ना थी कि मैं भैया के ब्लॉग में आऊं, कोई बात नहीं फिर दोबारा मौका मिलेगा, इसने ब्लॉग नहीं बनाया तो मैं अरुण ब्लॉग ना 276 अरुण ब्लॉग 276 इनका लिंक वो डिस्क्रिप्शन में, हाँ डिस्क्रिप्शन में डालेंगे हम, आप प्लीज इनके चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। और मैं चाहती हूँ कि मैं इनके ब्लॉग में आऊं जरूर, क्योंकि भैया ने अभी स्टार्ट कराया ना, बहुत अच्छे ब्लॉग बनाते हैं आप देखिएगा, बहुत ही अच्छा बोलते हैं ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम जब गणपति पापा आएंगे। सैफू के लिए कुछ बोल दे। थैंक यू सैफू, माय बेस्ट फ्रेंड सैफू, नेक्स्ट टाइम मौसी जाऊं, वो भी हमारी बेस्ट फ्रेंड है। तो मैंने सैफू नहीं बोला तो बाय। जा रही है सैफू, देख खाना भी नहीं खा के जा रही, मैंने पैक कर दिया जबरदस्ती जा रही जाएंगी, ये भी जाने को तैयार बैठी, ने भी रोक रहे खेसान के, क्या मेरे को तो खींचने पड़ते हैं रिश्तेदारों को, खींचना पड़ा है मुझे, खींचना पड़ा है ना, बैठ जाओ खा लो ये कर लो फ्रिजर में से चले गया, तो नीतू को छोड़ते हैं फिर भेजते हैं। टाटा बाय बाय भैया, लक्ष्मी ने तो सारा बांध दिया मेरे लिए, थैंक यू लक्ष्मी दोस्त, मैं नो थैंक यू, माय बेस्ट फ्रेंड लक्ष्मी। मैं यहाँ तक छोड़ दूँ, बहुत धूप हो रही है देखिए, अरे भगवान मुझे बड़ा वो लग रहा है, नीतू इतनी धूप में जा रही है, नीतू को मैं शाम को भेजती हूँ आराम से, नीतू को पता नहीं क्या जल्दी मच गई। भैया आपने अच्छा नहीं करा ये, अरुण भैया मैं गुस्सा हूँ आपसे बस, ठीक है बाय। तो देखिए गई रात के 10 बज गए और मेरे शाम को 5:30 बजे सर में इतना दर्द हुआ कि मैं बहुत परेशान हो गई, फिर मैंने थोड़ी देर क्या पी इनो पी थी, पता नहीं गैस बन गई, सर में चढ़ गई, सर में इतना तेज दर्द हुआ, अब भी हल्का हल्का हो रहा है और मैं सो गई, होश ही नहीं रहा मेरे को, तेज नींद आई मेरे सर में, तेज दर्द हो रहा था, तो रोटी मैंने बना दी है, रोटी बना दी है मैंने और बस आलू रखे, आलू सोयाबीन बना रही थी, 10 मिनट में बन जाएगी। अनमोल के पापा आ चुके हैं अभी, वो थोड़ा सा वो गेट सही कर रहे हैं वॉशरूम का, तो फटाफट 10 मिनट में सब्जी बनाते हैं और फिर खाना खाते हैं। अब भी हल्का हल्का दर्द हो रहा है मेरे, मेरा सोना मैं सोना की जब से तबीयत खराब हुई है ना, जब से पता नहीं क्या हो गया, तक कमजोर हो गया, कुछ मन नहीं करता, शैतानी भी नहीं करता अब तो मेरा बाबू, शैतानी भी नहीं करता अब तो, जैसे मुझे पहले तंग करता था ना अब नहीं करता ये तंग। और दोपहर के चावल रखे हुए तो मैंने रोटी कम ही बनाई, थोड़ी सी बनाई, ज़्यादा नहीं बनाई, ये खान रखा हुआ बहुत हो जाएगा।
तो चली गई थी, मैं दिखाती हूँ। खाना वाना खा लिया है, आलू सोयाबीन की सब्जी बनाई थी, बहुत अच्छी लगी। और सर में बहुत दर्द हो रहा है और आज मैं बहुत देर तक सोई। और नीतू चली गई घर तो अच्छा नहीं लग रहा, एक दिन के लिए आई थी तो अच्छा लगा। और नीतू को मैं मिस कर रही हूँ और सर में पता नहीं दर्द हो ही रहा। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग में एक नई टाइटल के साथ। तब तक के लिए प्यार बांटिए, खुशियां बांटिए, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए। तो गुड नाइट, सुबह से एंड टाटा, बाय बाय।